Welcome once again to our channel, a coronalist. This is Jagriti. So, friends, how are you all? I hope you all will be good. So, uh, today we will read about the most important topic that is location of the maximum intensity of fetal heart tones, and this topic is related to OVZ subject that is obstetrics.

तो टू मेज़र एफ एच आर एफ एच आर दैट इज़ फीटल हार्ट रेट को मेज़र करने के लिए जो एक नर्स है वो फीटोस्कोप को कहाँ पे जो है लोकेट करेगी तो इस टाइप से क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फीटल हार्ट टोन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन uh, बन जाते हैं एंड क्वेश्चन जो है फीटल हार्ट टोन से डेफिनेटली वन और टू क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अगर प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो उनमें वन और टू क्वेश्चन जो है डेफिनेटली uh, देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू फीटल हर्ट टोन टॉपिक से so uh, this is topic this topic is most important and uh, so must watch the uh, video completely and uh, if you are preparing uh, for any nursing competitive exams like cho ncsp sgpgi ruhs SEC, ignu mns nursing para, uh, paramilitary service rrbih so in sab ke liye jo hai, jo topic hai most important hai so must watch the video completely so let's just start सो फीटल हर्ट टोन्स फीटल हर्ट टोन एफ एच आर एफ एच आर सो इसमें एफ एच आर मीन्स लोकेशन हम लोग जानेंगे एंड मैक्म इंटेंसिटी ऑफ फीटल हार्ट टोन सो अगर प्रजेंटेशन एंड पोजिशनल वराइटीज़ ये लोकेशन रहता है अगर प्रजेंटेशन uh, अगर प्रजेंटेशन और पोजिशनल वराइटीज सिफेलिक है सेफेलिक्स फर्स्टली यू सो नो अबाउट द दिफेरिको जो बेसिक uh, रहते हैं लाइक डिनोमिनटर्स एंड डिनोमिन्रेटर्स एंड पोजिशन प्रजेंटेशन प्रजेंटिंग पार्ट ये सब जो है ये हम लोग पहले ही प, जो है पढ़ चुके हैं ये सब क्या होते हैं बेसिक चीज़ें हैं तो ये लोग ये जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अगर आपने वीडियो ना देखा हो देन यू कैन वॉच बे क्लिकिंग ऑन दिस लिंक तो so, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि फीटल टोन की लोकेशन क्या रहती है इन डिफरेंट प्रेजेंटेशन एंड पोजिशनल वाइटीज़ सो अगर आप अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है सो फर्स्टली यू टूट नो अबाउट द सिफेलिक सो सिफेलिक क्या होता है सिफेलिक एक टाइप का प्रेजेंटेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें क्या होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड डाउन रहता है फर्स्ट फेस जो है वो डाउन रहता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में एंड इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि बेबी का जो हेड डाउन एंड चिन जो होता है वो टग्ड टू टु चेस्ट चेस्ट की तरफ होता है एंड फेसिंग देयर मदर्स बैक सो सिफेलिक में जो फीटल हार टोन रहता है हार टोन जो रहता है वो होता है मिड वे बिटवीन अम्बलिकस एंड लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन मिड वे बिटवीन अम्बलिकस अम्बलिकस एंड लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर ईलेग स्पाइन के मिड वे जो रहता है वो सिफैलिक प्रजेंटेशन में पीटल हार्टोन की लोकेशन रहती है एंड नेक्स्ट अगर प्रेजेंटेशन जो है वो ब्रिज uh, प्रेजेंटेशन है ब्रीच एंड पोजिशनल वेराइटीज इज ब्रिज सो अबाउट द ब्रीच प्रेजेंटेशन। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन इट इज अब नॉर्मल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि फीटर्स जो है फीटस इन अ लॉन्गी लाए रहता है मीन्स लॉन्गी टूनियल फीटस जो है लाई करता है विद द बडगस आ और फिट्स और सर्विक्स के क्लोज रहता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में सो so इसका जो लोकेशन रहता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में फीटल हार्ट टोन का जो लोकेशन रहता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में वो रहता है लेवल विद और अब अम्बलिकस अम्बलिकस के जो है लेवल पे या अम्बलिकस के थोड़ा सा ऊपर जो है ब्रीच प्रेजेंटेशन में पीटल हार्ट टोन की लोकेशन रहती है नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट अगर प्रजेंटेशन होती है एंटीरियर प्रजेंटेशन एंटीरियर प्रजेंटेशन एंड पोजीशन वैराइटीज़ है तो लोकेशन जो रहती है फ़ीटल टोन की वो होती है क्लोज टू एब्डोमिनल मिड लाइन मिडलाइन मिड लाइन जो है थे, उसके क्लोज जो है वो रहता है फीटल हार्ट टोन अगर प्रजेंटेशन है एंटीरियर तो एंटीरियर प्रेजेंटेशन में क्या होता है इंटीरियर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सिचुएटेड नियर टू वर्ड द हेड और पार्ट मोस्ट नियरली कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द हेड नेक्स्ट जो हमारी पोजिशन अगर ट्रांसवर्स पोजिशन प्रजेंट है इफ़ प्रजेंटेशन इज ट्रांसवर्स दैन दो फीटल हार्ट टोन जो रहती है वो कहाँ रहती है उसकी लोकेशन इन लैटरल आपडमिनल एरिया अगर प्रजेंटेशन एंड पोजिशन वेराइटीज़ ट्रांसवर्स है तो जो लोकेशन होती है फीटल टोन की वो कहाँ पे होती है इन लैटरल अबडोमनल एरिया सो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स पोजीशन में क्या होता है कि ट्रांसवर्स पोजीशन में यूट्रस के अक्रॉस जो है पोजीशन हॉरिजॉन्टली रहती है रदर देन वर्टिकली सो इस इस ट्रांसवर्स के टाइम ता, जो प्रेजेंटेशन है तो फीटल टोन जो है कहाँ पर होगा इन लैटरल अबडमनल एरिया पर तो नेक्स्ट जो हमारा अगर प्रेजेंटेशन पोस्टीरियर एंड पोजिशनल वैराइटीज जो है पोस्टीरियर है तो फिर फीटल हर टोन जो है वो फ्लैंक एरिया में लोकेशन रहता है उसका सो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन क्या होता है पोस्टीरियर में क्या होता है कि इसमें जो है बेबीज़ का हेड जो है डाउन रहता है बट इट इज इज फेसिंग द मदर्स फ्रंट इंस्टीड ऑफ हर बैक सो so, इस टाइप से हम लोगों ने फीटल हार्ट टोन देखे हैं उनका लोकेशन देखे है आ, इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पोजिशनल वेराइटीज नेक्स्ट जो फीटल डिनोमिनेटर्स होते हैं अगर ऑक्सीपुट अगर ऑक्सीपुट uh, है प्रेजेंटिंग पार्ट सो अगर बर्टेक्स uh, प्रेजेंटेशन है डिनोमिनेटर होता है क्या है तो डिनोमिनेटर जो होते हैं वो ऑर्बिटली बोनी फिक्स्ड पॉइंट होता है या हम कह सकते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट होता है जो कि विद विच कम्स इन रिलेशन विद द बेरियर्स कार्डिट तो डिनोमिनेटर uh, क्या होता है इसे हाँ एक ऑर्बिटली एंड बोनी फिक्सड पॉइंट होता है या प्रजेंटिंग पार्ट भी इसे बोल सकते हैं अगर प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो ऑक्सीपुट है तो प्रेजेंटेशन क्या बर्टक्स प्रेजेंटेशन में क्या रहता है ऑक्सीपुट प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है एंड अगर अगर फेस प्रेजेंटेशन है अगर फेस प्रेजेंटेशन रहता है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो जाता है मैंडम अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या रह जाता है मैंडम अगर अगर जो है प्रेजेंटेशन ब्रो प्रेजेंटेशन है अगर ब्रो प्रेजेंटेशन होता है तो प्रेजेंटिंग पार्ट या औरबिटली बोनी फिक्सड पॉइंट जो होता है अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो मैंडम एंड ब्रो प्रेजेंटेशन है तो फ्रंटल एमिनेंस अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो फ्रंटल एमिनेंस एंड नेक्स्ट जो अगर हमारा ब्रीज प्रेजेंटेशन है ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो तो क्या होगा तो सैक्रम तो सैक्रम सैक्रम होगा अगर ब्रीज प्रेजेंटेशन है तो सैक्रम होगा प्रेजेंटिंग पार्ट एंड तो so, इस टाइप से जो है इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में जो डिफरेंट टाइप प्रेजेंटिंग पार्ट या हो सकते हैं बॉनी फिक्स पॉइंट जो रहते हैं बर्टक्स प्रेजेंटेशन में ऑक्सीपोर्ट ब्रीच में सैक्रम एंड फेस में मैंडम एंड रो में फ्रंटल इमिनेंस तो ये हमारे रहते हैं फीटल डिनोमिनेटो सो इस टाइप से जो है हम लोगों ने uh, कुछ फीटल हर टोन जो है इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन एंड पोजिशनल वैराइटीज़ में जो लोकेशन रहती हैं उनके बारे में पढ़ा है so if you really helpful this video for you then please like share and subscribe my channel and also you can comment on the video so thank you so much for watching so question me question is ड्यूरिंग लियोपोल्ट मैनुअल लियोपोल्ट मैनुअल के दौरान डॉक्टर जो है फाइन करता है एल ओ पोजिशन एल ओ ए पोजिशन फीटस की टू मेजर एफ एच आर फीटल हार्ट मेजर को फीटल हार्ट रेट को मेजर करने के लिए वेयर सी शूड लोकेट द फिटोस्कोप सो करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्ट लोअर अपडमन दैट करेक्ट ऑप्शन इज लेफ्ट लोअर अपडमन तो ये हमारा रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच